हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज कैव 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म। तो बच्चों, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, की कॉन्सेप्ट यूज किया गया है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला सोचो, हमको दिया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। अगर हम इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो अगर हम इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -r/2, जो कि हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके और हमको ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने में है, जो कि u है, ये है -20 सेंटीमीटर। सो बच्चों, ये साइन मिरर के साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिया गया है, इनमें कंफ्यूज मत होना। ओके तो लिखते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम यूजिंग मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम यूजिंग मिरर फॉर्मूला हियर वी विल गेट, हमको क्या बताया मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अगर हमको जो कुछ दिया गया है यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो 1 + v + ये क्या हो जाएगा, 1/-20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1/ फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, -30। सो नेक्स्ट हो जाएगा 1/1 v इक्वल टू, अगर इसको हम उधर साइड में ले ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/-30 + 1/20। देन बच्चों इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 1/v विल बी इक्वल टू, ये होगा हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/1/60 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1/3 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 हो जाएगा हमारे, और ये हो जाएगा 1/60। सो नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्या लिखते हैं, v विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं, सो द इमेज फॉर्म विल बी फॉर्म विल बी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन की वजह से, साइन कन्वेंशन के हिसाब के अगर देखा जाए तो ये बिहाइंड द मिरर होगा। ओके तो बिहाइंड द मिरर, और ये होगा क्या, वर्चुअल। सो बच्चों द फाइनल आंसर विल बी द इमेज विल बी फॉर्म 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।